नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंजना और आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। तो चलिए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। पीडीए यात्रा समाज के सभी वर्गों की यात्रा है। इसमें पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक, आदिवासियों, अग्रे सभी सम्मिलित है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा कि यह यात्रा 5000 किलोमीटर की दूरी तय कर लगभग 100 विधानसभा लोकसभा क्षेत्र से होते हुए 22 नवंबर को सैफई इटावा पहुंचेगी। इस यात्रा के जरिए सामाजिक न्याय, जातिगत जनगणना एवं अधिकार और सम्मान के मुद्दे उठाए गए हैं। द खबरदार से आशीष द्विवेदी की रिपोर्ट। पीडीए यात्रा, इसमें सब शामिल हैं, कोई ऐसा नहीं है कि जो अलग हो रहा हो इससे। जहां हम पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक मुसलमान भाइयों की बात कह रहे हैं, वहीं पीडीए हमारा पिछड़े, दलित, आधे आबादी की भी बात कर रहा है, वहीं पीडीए हमारे अगड़ों की भी बात कर रहा है। तो अगर इनमें कहें ए को कैसे डिफाइन करना है, तो हमारे अल्पसंख्यक भाई भी हैं, आदिवासी समुदाय भी है और अगड़े भी हैं, और उसका उदाहरण आप देख रहे होइए। तो इसलिए किसी को घबराने की जरूरत नहीं है। पीडीए यात्रा पहले से चल रही है, लगभग 5000 किलोमीटर ये छात्र, नौजवान और पार्टी के संगठन के लोग चल चुके हैं। 100 से ज्यादा विधानसभाओं में गए हैं, कई महत्वपूर्ण लोकसभाओं से होकर के आ रहे हैं। ये पिछले कई दिनों से चल रहे हैं और आखिरकार ये आखिरी में यात्रा 22 नवंबर से पहले सैफई और इटावा में खत्म होगी। आज क्योंकि ये लखनऊ पहुंचे हैं, इसलिए इस यात्रा में मैं खुद शामिल हो रहा हूं। जहां जहां ये यात्रा चली है वहां समाजवादी पार्टी के विधायक, समाजवादी पार्टी के महत्वपूर्ण नेता, संगठन के लोग रहे हैं और लगातार मनोबल उत्साह बढ़ा है। और ये यात्रा ऐसी है जो भारतीय जनता पार्टी की पोल भी खोल रही है, और जिन मुद्दों को लेकर के हम निकले हैं, सामाजिक न्याय, जाति जनगणना और अधिकार और सम्मान मिले, जो हमारे साथ खिलवाड़ हो रही है उससे बचाया जा सके, जो देश को बांटने की ताकत है उनसे देश को बचाया जा सके, और उत्तर प्रदेश से ही रास्ता देश का निकलेगा। ये लगातार यात्रा, कार्यक्रम और हमारे शिविर चलते रहेंगे। घबरा कौन रहा है? वही लोग घबरा रहे हैं जो केवल तस्वीरें खिंचवाने आ रहे हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।